मैंने अपने करियर में सीक्रेट का इस्तेमाल कैसे किया। भाग दो, अपने सपनों का वेतन पाएं। याना के मन में एक खास नौकरी और एक खास वेतन की चाहत थी और उसने सकारात्मक कथन की शक्ति का इस्तेमाल करके अपनी मनचाही चीजों को अपनी ओर आकर्षित किया। मैं एक के बाद एक अल्पकालीन नौकरियां करती रही। एक समय तो मैं पूरी तरह बेरोजगार हो गई। आखिरकार मैं एक स्थायी अंशकालिक नौकरी करने लगी जिसमें $10 प्रति घंटे का वेतन मिलता था। काम शुरू करने के 2 दिन बाद मुझे बताया गया कि मेरे घंटे आधे किए जा रहे हैं। पहले हर सप्ताह 20 घंटे काम करने की बात हुई थी जिन्हें अब घटाकर 10 घंटे कर दिया गया था। $100 प्रति सप्ताह में मेरा गुजारा नामुमकिन था। मैं उस दिन ऑफिस से पैदल घर लौटी। मैं बहुत दुखी और हताश महसूस कर रही थी। जब मैं अपने अपार्टमेंट पहुंची तो मेरे मन में द सीक्रेट फिल्म देखने की जबरदस्त इच्छा महसूस हुई। हालांकि मुझमें बस इतनी ही ऊर्जा बची थी कि मैं बैठकर यह चिंता करूं कि नियमित नौकरी और पैसों के बिना मैं क्या करूंगी। फिल्म देखने के बाद मैंने अपना जर्नल बाहर निकाला और यह सकारात्मक कथन लिखा। आने वाले दिनों में मैं अपने घर से पैदल चलने जितनी दूरी पर एक बड़े प्रशासनिक पद पर नौकरी कर रही हूँ। इस नौकरी में मैं हर साल कम से कम $30,000 कमाती हूँ। मैं जिन लोगों के साथ काम करती हूँ वे खुश, उदार और सहयोगी प्रवृत्ति के हैं। मैं जो काम करती हूँ वह मुझे रुचिकर लगता है और मेरे सहकर्मी व अफसर मेरी बहुत प्रशंसा करते हैं। मुझे हर सप्ताह वेतन मिलता है। हर सोमवार से शुक्रवार मैं समय पर या जल्दी पहुंचती हूँ और इस नौकरी में मैं हर दिन खुश रहती हूँ। मैं उस विस्तृत और स्पष्ट प्रक्रिया के लिए शुक्रगुजार हूँ जिसने मेरी आदर्श नई नौकरी को इसी समय प्रकट कर दिया है। मैंने यह सकारात्मक कथन अगले दिन भी बार बार कहा और इसे कहते वक्त मैं खुशी महसूस करती रही। जब मैं इसे कहती थी और आनंद महसूस करती थी, जब मैं अपनी नई नौकरी के बारे में सोचती तो हर बार रोमांच के सैलाब में डूब जाती। मैं बहुत ही रोमांचित थी। जब मैं उस दिन काम पर थी तो मेरा सेल फोन बजने लगा। लगातार 3 बार फोन आया लेकिन मैं किसी कारण उसे उठा नहीं पाई। सभी फोन एक ही नंबर से और चंद मिनटों के अंतर पर आए थे। छुट्टी में मैंने अपने मैसेज देखे और पता चला कि वह फोन एक स्टाफ एजेंसी से आया था जहां मैंने 2 साल पहले अपना नाम लिखाया था। जब मैंने उस एजेंसी को फोन किया तो रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि वे मुझसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि उनके पास मेरे लिए एक नौकरी थी और यह अगले ही दिन शुरू करनी थी। उस नौकरी में मुझे ठीक उतना ही वेतन मिल रहा था जो मैंने अपने सकारात्मक कथन में मांगा था। जब मैंने उनसे पूछा कि नया ऑफिस कहाँ है तो उसने कहा कि वह एक डिजाइन फर्म थी जहाँ मैं अपने घर से 5 मिनट पैदल चलकर पहुँच सकती थी। मैंने अपना सकारात्मक कथन लिखने के 2 दिन बाद अपनी नौकरी शुरू कर दी और आज भी उतनी ही बेहतरीन है जितनी की पहले थी। याना एफ, बाल्टीमोर, मैरीलैंड, अमेरिका। याना के सकारात्मक कथन में उसकी नई नौकरी और नए वेतन के लिए कृतज्ञ होना शामिल था। मानो उसे यह मिल गया हो। कृतज्ञता ही वह पुल है जो आपको गरीबी से अमीरी तक पहुंचाएगा। आपके पास जितना भी पैसा है भले ही यह ज्यादा ना हो, उसके लिए आप जितने ज्यादा कृतज्ञ होते हैं आपको भविष्य में उतनी ही ज्यादा दौलत मिलेगी। आप अपने पैसे के बारे में जितनी ज्यादा शिकायत करते हैं आप उतनी ही ज्यादा गरीबी को पाएंगे, दोगुना या कुछ नहीं। जब मैंने अपना पत्रकारिता करियर शुरू किया तो मेरे परिवार में मुझे बहुत सहारा दिया।
इससे मुझे अपने लक्ष्य का पीछा करने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन मिला। मुझे एक स्थानीय पत्रिका कंपनी में नौकरी मिल गई, जिसमें वेतन तो कम था लेकिन भावी संभावनाएं अधिक थी। मैं बस इतना कमा पाता था जिससे मेरे मकान का किराया निकल आए, और मेरे माता पिता मुझे बस इतना देते थे जिससे महीने का खर्च चल जाए। जब कई महीनों तक यही सिलसिला चलता रहा तो मेरे डैडी मेरे ज्यादातर बिल चुकाते चुकाते थकने लगे थे, और उन्होंने मुझे यह बात बता दी। मैं समझ गया कि वे मुझे ज्यादा आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं हताश होने लगा। मैं चाहता था कि मेरा परिवार खुश रहे और मैं इतने पैसे कमा लूं कि अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं। जब साल पूरा होने लगा तो मेरी हताशा डिप्रेशन में बदल गई और मैंने उस वेतन वृद्धि की आस छोड़ दी जिसका मुझे वादा किया गया था। मैं सिर्फ बुरी चीजों की उम्मीद कर रहा था, और जानते हैं क्या हुआ? मुझे बिल्कुल वही मिली। डिप्रेशन में मेरी हालत इतनी खराब हो गई कि मैं हर समय बीमार और थका थका महसूस करने लगा। परिस्थितियां खराब दिख रही थी और इस झमेले से बाहर निकलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। एक मित्र मेरी हालत को जानता था और उसने मुझे पूछा, क्या मुझे द सीक्रेट के बारे में मालूम है? उसने मुझे इसकी डीवीडी दी और इसे एक बार आजमाने को कहा। मैं स्वसहायता सलाहकारों में ज्यादा विश्वास नहीं करता, लेकिन मैंने उस रात यह फिल्म देखी ली। डीवीडी में हर व्यक्ति ने जो कुछ भी कहा, ऐसा लगा कि वह मेरे बारे में ही कह रहा है। मैं ही अपने विचारों की वजह से अपना बुरा कर रहा था। मैं उस रात रोया, दुख के आंसू नहीं बल्कि खुशी के आंसू थे। मैं जान गया था कि अब सब कुछ सही हो जाएगा। मैंने उसी रात द सीक्रेट का इस्तेमाल शुरू कर दिया। मैं अच्छे विचार सोचने लगा, मैं दौलत और खुशी के विचार सोचने लगा, मैं उन चीजों के लिए सृष्टि को धन्यवाद देने लगा जिन पर मैंने जिंदगी में कभी ध्यान ही नहीं दिया था, जैसे मेरा अच्छा स्वास्थ्य, मित्रों का प्रेम, यहाँ तक कि मेरी नौकरी भी। दिसंबर के अंत में मेरी कंपनी के मैनेजर ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाकर बताया कि मुझे वेतन वृद्धि दी जा रही है। वेतन वृद्धि की राशि कम थी और इससे मेरे सारे खर्चे पूरे नहीं होने वाले थे, लेकिन मैंने उन्हें और सृष्टि को धन्यवाद दिया क्योंकि मैं जानता था कि मैंने मांगा था, विश्वास किया था और पाने का सिलसिला अब शुरू हो गया था। जनवरी की शुरुआत में मैंने सृष्टि से एक चीज मांगी जिसका मिलना अब मुझे बहुत संभव लग रहा था। मैंने दोगुने मासिक वेतन की मांग की। मुझे जरा भी पता नहीं था कि यह कैसे होगा, लेकिन मैंने बस विश्वास किया कि यह हो जाएगा। सृष्टि तुरंत काम में जुट गई। मैं इसे होते नहीं देख सकता था, लेकिन अपने दिल में जानता था कि ऐसा हो रहा है। 4 महीने बाद अप्रैल में मुझसे उसी कंपनी की एक अलग पत्रिका में काम करने के लिए कहा गया, और सोचिए क्या हुआ, वहाँ मुझे दोगुना वेतन मिलने लगा। मैं जानता था कि ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि मैंने विश्वास किया था। फिर मैंने सोचा, अगर यह एक बार कामयाब हो गया है तो यह दोबारा भी हो सकता है। मैंने सृष्टि से अपने नए वेतन को दोगुना करने को कहा। आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन 4 महीने बाद डिजिटल विभाग के मैनेजर ने मुझसे अपनी टीम में आने को कहा, और वेतन आप समझ ही गए होंगे, मेरे उस समय के वेतन से दोगुना था। द सीक्रेट ने मेरे जीवन का कायाकल्प कर दिया है। यह यकीन करना मुश्किल है कि एक साल उतना ही बुरा गया था जितना मैं इसे रखना चाहता था, और अगला साल उतना ही अच्छा गया था जितना मैंने उसे अपने मानसिक चित्र में देखा था और यकीन किया था। आजकल तो हर दिन एक उपहार जैसा लगता है। अब मैं जान गया हूँ कि खास और अनूठा हूँ। सृष्टि मेरी मित्र है और मेरे विचारों पर प्रतिक्रिया करती है। मेरी कहानी इस बात का सबूत है कि द सीक्रेट सचमुच काम करती है। आप शायद सोच रहे होंगे कि क्या मैंने सृष्टि से एक बार फिर अपना वेतन दोगुना करने को कहा? नहीं, मैंने खुशी व समृद्धि मांगी और यह मुझे हर दिन मिल रही है। एलन नैरोबी, कीनिया। एलन ने सृष्टि को उसके ये धन्यवाद दिया जो उसके पास पहले से ही था, और उसके लिए भी जिसे वो पाना चाहता था।
इसके बाद उसने आकर्षण के नियम को इसका काम करने दिया। उसने इस बात की कोई चिंता नहीं की कि यह कैसे होगा या इसकी मदद कैसे की जाएगी। विजयी तालमेल। मैं जहाँ काम करती थी वहाँ कई साल पहले कायरोप्रैक्टिस चिकित्सा पद्धति के एक छोटे ऑफिस के कर्मचारियों ने देखा कि कारोबारी आंकड़े घट रहे थे। किसी को भी 3 साल से वेतन वृद्धि नहीं मिली थी। कुछ ना कुछ तो बदलना चाहिए। हम अपनी नौकरी से प्रेम करते थे लेकिन जीवन यापन के खर्चे बढ़ते जा रहे थे और हम सभी नई या दूसरी नौकरियों की तलाश भी कर रहे थे। एक दिन डॉक्टरों की अनुपस्थिति में स्टाफ ने मीटिंग की और वेतन वृद्धि की इच्छा जताई। हम जानते थे कि ऐसा तभी होगा जब हम अपने ऑफिस के लक्ष्य तय करेंगे और सभी डॉक्टरों की समय सारणी को पूरा भर देंगे। हमने साप्ताहिक और मासिक लक्ष्यों को पूरा करने का काम शुरू कर दिया। इन्हें बनाने के बाद हमने सोचा कि पिछले सालों में वेतन वृद्धि न मिलने के कारण इस बार 25% वृद्धि मिलनी चाहिए, लेकिन इससे बढ़कर हमें यह तय करना था कि हम अपनी वेतन वृद्धि कब तक चाहते हैं। हमने 15 अक्टूबर की तारीख तय की, जो वेतन वृद्धि के लिहाज से साल का सामान्य समय नहीं था। हम अपनी योजना में जुट गए। हमने एक नारा तैयार किया, जिंदगी 25% में बेहतर है, और इसे हम में से प्रत्येक की डेस्क पर लगा लिया। हम हर दिन सभी डॉक्टरों की समय सारणी पूरी भरने पर ध्यान केंद्रित करने लगे। यदि यह पर्याप्त भरी नहीं होती थी तो हम कहते थे हमें 10 दिन पुराने मरीजों और 2 नए मरीजों की जरूरत है। इसके बाद वाकई फोन की घंटी बजने लगती थी। जल्दी ही डॉक्टर इतने ज्यादा व्यस्त हो गए कि शिकायत करने लगे कि शाम तक वे बहुत थक जाते हैं। अक्टूबर के शुरू में स्टाफ एक बार फिर अपनी कृतज्ञता सूचियों के साथ अपने लक्ष्यों की समीक्षा करने बैठा। हमने सोचा कि ऑफिस की अगली बैठक में अपने लक्ष्यों और उनकी सफलता पर प्रस्तुति देना बेहतरीन रहेगा। बैठक वाले दिन हम तैयार थे लेकिन डॉक्टरों के एजेंडा में बहुत सारी चीजें थी, इसलिए हमें अपनी प्रस्तुति देने का मौका नहीं मिला। हम निराश थे क्योंकि 15 अक्टूबर बस 2 ही दिन बाद थी, लेकिन हम ध्यान केंद्रित करते रहे और कहते रहे जिंदगी 25% में बेहतर है। 15 तारीख आई और चली गई। हमारे अगले वेतन की तारीख आ रही थी और डॉक्टरों ने अकाउंटेंट से बात की। कुछ दिनों बाद हमारी बॉस ने मुझे मिलने के लिए बुलाया। मुझे कारण नहीं पता था लेकिन उनकी शुरुआती बात यही थी कि हम बेहतरीन काम कर रहे हैं, इसलिए हम सभी को वेतन वृद्धि दी जा रही है जो 15 अक्टूबर से दी जाएगी। हम में से एक को छोड़कर बाकी सभी को 25% वेतन वृद्धि मिली थी और उसे 20% मिली थी। मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं जब मैंने डॉक्टरों को बताया कि हमने ऑफिस के लक्ष्य तय करने और 25% वेतन वृद्धि के अपने व्यक्तिगत लक्ष्य तक पहुंचने के लिए द सीक्रेट का इस्तेमाल किया था। हम अपनी नौकरियों को बचा सके, थोड़े पैसे बना लिए और ऑफिस के मनोबल को ऊंचा कर दिया। स्टाफ अब द सीक्रेट का इस्तेमाल करके बैठकें करता है और अपने व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बनाता है। हम अपने रोगियों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे कभी भी हमारे ऑफिस से द सीक्रेट की DVD लेकर देख सकते हैं। लॉरेटा, वॉशिंगटन, अमेरिका। इसमें कोई शक नहीं है कि जब 2 या अधिक लोग उसी इच्छा को आकर्षित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो एक बहुत प्रबल शक्ति का निर्माण होता है। हर व्यक्ति अपनी ऊर्जा का विश्वास और योगदान देता है जिससे यह एक विजेता तालमेल बन जाता है। लॉटरी की कहानी से प्रेरणा लें। अगर आप समूह में काम करते हैं तो मिलकर आप किसी ऐसी साझी इच्छा पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जिसे हर एक को लाभ हो। बस कल्पना करें कि आप मिलकर क्या हासिल कर सकते हैं। आप जो भी चाहते हैं, आपके सृजन की शक्ति अंततः आपके खुद के ही पास होती है, लेकिन जब आप दूसरों के साथ अपनी शक्तियों को मिला देते हैं तो इससे आपका विश्वास इतना बढ़ जाता है कि वह चीज दरअसल बहुत जल्दी ही साकार हो जाती है। जिससे आपको प्रेम है वही करें। मैं जिन लोगों की कहानियां बताने वाली हूँ उनकी सबसे बड़ी इच्छा
यह थी कि वे अपना मनपसंद काम कर सकें। कुछ के लिए पैसा भी महत्वपूर्ण था, लेकिन बाकी लोगों के मन में यह विश्वास था कि अगर वे अपने सपने का पीछा करें तो सृष्टि उन्हें जरूरत का सारा पैसा दे देगी। इसका आदर्श उदाहरण डेलिस की कहानी है, जो आगे दी गई है। नए जीवन के दो सप्ताह। जब मैं अपने सपनों का जीवन जीने के बाद 2 साल तक फुटपाथ पर रहा, तो मैंने आकर्षण के नियम को लगभग छोड़ ही दिया था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था मानो हर किसी ने मुझे छोड़ दिया था। जाड़े का समय था और मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए मैं रोजगार की तलाश में पूरे देश में घूमता रहा, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। मैंने सुना था कि आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करने पर 30 दिन में जिंदगी बदल सकती है, इसलिए मैंने इसका परम इम्तिहान लिया। मैं हर दिन द सीक्रेट को पढ़ रहा था और सुन रहा था। मैंने हर जानकारी को सही जगह पर रख दिया। तब मैं कहां जानता था कि चीजें कितनी तेजी से मेरी ओर आने वाली हैं। मुझे एक नौकरी की जरूरत थी, किसी भी नौकरी की, लेकिन मैं एक ऐसी नौकरी चाहता था जो मुझे स्वतंत्रता दे, मुझे बहुत सी गतिविधियों के केंद्र में रखे, मुझे कंपनी में योगदान देने और कारोबार फैलाने की अनुमति दे, साथ ही मेरे काम की तारीफ भी हो। मैं यह जानकर बहुत खुश था कि ऐसी नौकरी मेरी ओर आ रही है। मैंने सोचा कि अगर मैं इसी तरह महसूस करता रहूंगा तो मेरा सपना साकार हो जाएगा। 2 सप्ताह के भीतर संयोगवश हुई मुलाकातों के फलस्वरूप मुझे रेडियो डीजे की नौकरी मिल गई। 7 महीने बाद मैंने विज्ञापन से होने वाली आमदनी 20 गुना कर ली और कलाकारों के पैसे उगाहने में मदद के लिए एक अलग विभाग बना दिया। मैं महत्वाकांक्षी कलाकारों का प्रबंधन करता हूँ। मैंने एक कलाकार संगठन बनाया है ताकि उद्योग में सफलता पाने में नई प्रतिभाओं को मदद कर सकूं। मैं वर्तमान में एक कारोबारी साझेदार के साथ पोशाकों के क्षेत्र में काम कर रहा हूं। मेरा बॉस मेरे काम से प्रेम करता है और मुझे हमारे स्टेशन का सर्वश्रेष्ठ डीजे कहा गया है, जो मैं बनना चाहता था। आज मेरे पास सपनों की नौकरी है और मैं जहां हूं वहां मैं बहुत खुश और कृतज्ञ हूं। बेहतरीन चीजें मेरी राह में आती रहती हैं। मैं हमेशा ज्यादा बड़े व बेहतर सपनों की ओर आगे बढ़ रहा हूं। अगर किसी को द सीक्रेट के बारे में शंका हो तो मेरी बात गौर से सुने, यह कारगर है। डेलिस सी, विनिपेग, मैनिटोबा, कनाडा। हालांकि डेलिस यह बात जानता था कि उसे पैसे की जरूरत है, लेकिन उसकी बुनियादी इच्छा अपना मनपसंद काम करने की थी। परिणाम, उसे दोनों मिल गए। जब आपको यह अनुभूति हो रही हो कि सृष्टि कोई चीज देने को तैयार है जिसे आप सबसे ज्यादा चाहते हैं, तब भी कई पलों में शंका रेंगकर अंदर आ सकती है। यह खास तौर पर सच है अगर आप अपने सपने का पीछा करने के लिए किसी सुरक्षित नौकरी को छोड़ने के संभावित परिणामों के बारे में सोच रहे हो। अगर आप खुद को कभी शंका में पाएं, तो आप सृष्टि से प्रमाण मांग सकते हैं कि आप सही निर्णय ले रहे हैं या नहीं। याद रखें, आप कोई भी चीज मांग सकते हैं। अगली कहानी में नौकरी छोड़ते वक्त हेलेन के मन में गंभीर शंकाएं थी, तभी सृष्टि ने कदम रखा और निर्णय लेने में उसकी मदद करने के लिए प्रौद्योगिकी को सक्रिय कर दिया। सृष्टि से आए ईमेल। द सीक्रेट से मेरा पहला परिचय कई साल पहले एक सहकर्मी ने करवाया था, लेकिन दुर्भाग्य से तब मैं इतनी नकारात्मक जगह पर थी कि कुछ पन्ने पढ़ने के बाद मुझे डर लगने लगा कि पुस्तक पढ़ने का मेरी जिंदगी पर न जाने क्या असर होगा। अब यह बहुत ही मूर्खतापूर्ण लगता है। शुक्र है एक सहेली ने इसे पढ़ने की सलाह दोबारा दी और इस बार मैं सीखने के लिए उत्सुक थी। मैं आपको बता नहीं सकती कि हर अध्याय पढ़ने पर मैं कितनी खुश और रोमांचित महसूस कर रही थी। मैं जैसे हवा में उड़ने लगी।
इसे पढ़ने के बाद जल्द ही मैंने एक बहुत बड़ा जीवन बदलने का निर्णय ले लिया। मैं फुल टाइम फ्रीलांस चित्रकार बनने के लिए डिजाइनर की पार्ट टाइम नौकरी छोड़ने के बारे में सोच रही थी। मैं बचपन से ही यह काम करना चाहती थी, लेकिन मेरी आर्थिक जिम्मेदारियां थी और मैं नियमित स्थिर आमदनी गंवाना नहीं चाहती थी। मैं खुद को बताती रही कि मुझे तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि मैं पर्याप्त पैसे ना बचा लूं। मैं बहुत ज्यादा डर रही थी, हालांकि मेरी भावनाएं चीख चीख कर कह रही थी कि नौकरी छोड़ने का निर्णय सही था। पहले मैं अपने करियर में सचमुच दुर्भाग्यशाली रही। अधिकारी बहुत बुरे थे, कामकाजी माहौल तनावपूर्ण था और कई बार छटनी की गाज भी गिर जाया करती थी। दिल की गहराई में मुझे महसूस हुआ कि मुझे अपने दम पर काम करने के लिए धकाया जा रहा है, लेकिन मैं बहुत डर रही थी कि कहीं मुझे और मेरे परिवार को बुरे दिन न देखने पड़ जाएं। द सीक्रेट पढ़ने के बाद मैं जानती थी कि मुझे यह काम करना होगा। अजीब बात है कि मेरे मन में रत्ती भर भी शंका नहीं थी। मैं जानती थी कि मुझे सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन जब मैं ऑफिस में नोटिस थमाने वाली थी तो मेरा पुराना शंकालु स्वरूप लौट आया। ऑफिस जाते वक्त मुझे घबराहट होने लगी और मैं खुद से पूछती रही कि क्या मैं सही कदम उठा रही हूँ। शायद मैं बहुत उतावली थी, स्वार्थी थी, पैसे के बारे में चिंतित थी। तभी सृष्टि ने मुझे जोरदार धक्का दिया जब मैं डरकर मैदान छोड़ने वाली थी। जब मेरे दिमाग में डरावने विचार दौड़ रहे थे तो मैंने अपने आईफोन की तरफ देखा। इसमें 37 नए ईमेल आए थे। मुझे यह बहुत अजीब लगा क्योंकि यह सुबह का वक्त था और कुछ मिनट पहले तक एक भी ईमेल नहीं था। इसलिए जब मैंने सारे नए ईमेल को देखा तो वे सारे ईमेल दरअसल मेरे ही थे। इन्हें मैंने पिछले 5 सालों में कई लोगों को भेजा था। ये सभी मेरे इनबॉक्स में से एक ही समय में आए थे और सभी का विषय एक ही था। हर ईमेल में लिखा था कि मैं अपनी नौकरी छोड़ना चाहती हूँ और अपने दम पर स्वतंत्र काम करना चाहती हूँ। मैंने जो पहला ईमेल पढ़ा वह मैंने एक भर्ती एजेंसी को भेजा था जब मुझे तीसरी बार नौकरी से निकाला गया था, और जो पहला वाक्य सामने आया वह यह था कि मैं सोचती हूँ कि ऊपर वाला मुझे कोई चीज बताने की कोशिश कर रहा है। यह पढ़ते ही मेरी रीढ़ में सनसनी दौड़ने लगी, इस वक्त लिखते हुए भी दौड़ रही है। मैं अवाक रह गई, मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। भर्ती एजेंसियों को भेजे गए ईमेल भी थे मुझे यह याद दिलाने के लिए कि मुझे कितनी बार नौकरी से निकाला गया था। ये शिकायती ईमेल थे जिनमें मैंने शिकायत की थी कि मुझे विभिन्न अधिकारियों के साथ काम करना कितना नापसंद था। कुछ ईमेल बच्चों की पुस्तकों के पुराने फ्रीलांस प्रोजेक्टों के बारे में थी जिन पर मैं काम करती थी और पसंद करती थी। लेकिन सबसे पुराना ईमेल वह था जो मैंने कई साल पहले अपने वर्तमान एजेंट को भेजा था, और इसमें लिखा था कि मैं फ्रीलांस इलस्ट्रेटर या चित्रकार के रूप में अपनी शिद्दत से काम करना चाहती हूँ, और मैंने उनसे पूछा था कि क्या वे मेरे प्रतिनिधि बनना चाहेंगे। फोन पर तो रहने दें, मेरे कंप्यूटर पर भी वह ईमेल कहीं पर सुरक्षित नहीं था। मुझे तो याद भी नहीं था कि मैंने इन्हें कभी भेजा भी था, लेकिन यह नया ईमेल बनकर आया था। बाकी सभी ईमेल के साथ जो एक ही समय मेरे इनबॉक्स में जाने कहां से आ टपके थे। मैं समझ गई कि कोई मुझे बता रहा है कि मैं सही चीज कर रही हूं और सब कुछ ठीक होगा। मैं दिन भर मुस्कुराती रही और बगैर किसी शंका के मैंने नोटिस दे दिया। 2 महीने बाद मुझे अपनी व्यस्तता पर यकीन नहीं हो रहा था। बिल चुकाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होंगे, यह शंका अब बेमानी नजर आ रही थी। जब मैंने द सीक्रेट वेबसाइट के कोरे चेक पर पहले साल की मनचाही आमदनी लिखी तब यह पहुंच के बहुत बाहर लग रही थी, लेकिन मैंने उस साल की शुरुआत से जितना कमाया था उसे जोड़ने पर पता चला कि मैं ठीक उतनी ही राशि कमाने वाली हूँ। महीनों पहले से ही लोगों ने मेरे काम की बुकिंग कर ली थी
और मेरी सफलता के जारी रहने में जरा भी संदेह नहीं था। 4 साल बाद मैं अब भी स्वरोजगार में हूँ और मेरा सपना इस साल साकार हो चुका है। बच्चों की पहली सचित्र पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है और वह पूरे संसार में उपलब्ध है, जिसे मैंने न सिर्फ लिखा है बल्कि चित्र भी बनाए हैं। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि उस दिन मुझे सृष्टि से इतना बड़ा संदेश मिला। मैं अपने जीवन की सभी अच्छी चीजों के लिए शुक्रगुजार हूँ और अपने भव्य भविष्य के मानसिक चित्र देख देख कर खुश होती रहती हूँ। हेलेन, लिवरपूल, इंग्लैंड। यदि आपको लगता है कि शंकाएं आपके विश्वास को कम कर रही हैं, तो मानसिक चित्र देखकर और सकारात्मक कथन कहकर अपने विश्वास को बढ़ा लीजिए। दूसरा विकल्प यह है कि आप कोई ऐसी चीज करें जिससे आपको खुशी महसूस हो, क्योंकि खुशी महसूस करते ही शंकाएं गायब होने लगती हैं। शंका एक नकारात्मक अवस्था है और यह खुशी की सकारात्मक अवस्था के सामने मौजूद नहीं रह सकती। मुझे अपने सपनों की नौकरी कैसे मिली? जब द सीक्रेट से मेरा पहला परिचय हुआ तो मुझे यकीन नहीं था कि यह कारगर होगी। मैं बस इसे गलत साबित करने के लिए पढ़ने लगी। उस वक्त मैं 4 साल से अपने सपनों की नौकरी पाने की कोशिश कर रही थी। पुस्तक पढ़ते समय मैंने एक खेल खेलने का निर्णय लिया। मैंने एक इच्छा पर्ची बनाई जिसमें मेरा मनचाहा वेतन था, उस देश का नाम था जहां मैं काम करना चाहती हूं, और उस पद का नाम था जिस पर मैं नौकरी करना चाहती थी। फिर मैंने वह पर्ची अपने आईने पर लगा दी। हर सुबह मैं इसकी तरफ देखती थी और अपनी नई नौकरी में डेस्क पर बैठे होने का मानसिक चित्र देखती। फिर जब दिन आगे बढ़ता तो मैं उन चीजों की सूची बनाती जिनके लिए मैं कृतज्ञ थी और कहती, जो भी मैं करती हूँ हर चीज के लिए आपको धन्यवाद। मेरे साथ जो कुछ भी चीजें हो रही हैं, उस हर चीज के लिए धन्यवाद। जिस नौकरी का मैं सपना देख रही थी, 5 दिनों के भीतर ही मुझे उसका प्रस्ताव ईमेल पर मिल गया। द सीक्रेट बताने के लिए धन्यवाद। मिराई डी, लेबनान। जब आप द सीक्रेट से परिचित हो जाते हैं और आप समझ जाते हैं कि कई अभ्यासों की मदद से आप अपने विश्वास को बलवान कर सकते हैं और आकर्षण के नियम की गति को बढ़ा सकते हैं, आपके मनचाही चीज पहले ही आपके पास आ चुकी है। यह अभिनय करना एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यासों में से एक अभ्यास है। भूमिका निभाना। कुछ समय पहले मैंने हर चीज छोड़ दी। मैंने पेस्ट्री कुक की नौकरी छोड़ दी, मैंने पाक कला वाला स्कूल छोड़ दिया, मैंने अपने 2 साल पुराने बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया, मैंने अच्छे जीवन की सारी उम्मीद छोड़ दी और यह मानने लगी कि मैं किसी काम की नहीं हूँ। गंभीर डिप्रेशन के कष्ट झेलने के 1 महीने बाद की बात है। एक दिन जागते ही मेरे मन में द सीक्रेट का विचार आया। मैं नहीं जानती कि यह विचार मेरे मन में कैसे और क्यों आया, लेकिन मैंने इसे ऑनलाइन देखने का निर्णय लिया ताकि यह पता लगा सकूं कि इसमें आखिर है क्या। मैंने वेबसाइट पर फिल्म देख ली और इसने मेरे दिल को इतना छू लिया कि मैंने iTunes पर जाकर ऑडियो बुक खरीद ली। उस समय तक मैं नौकरियों की तलाश कर रही थी, लेकिन कोई सफलता मिल नहीं रही थी। मैंने नौकरी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए द सीक्रेट का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। मैं एक वेनेटरी अस्पताल में काम करना चाहती थी, इसलिए मैंने अपने घर के पास वाले सभी वेटरनरी अस्पतालों में बायोडाटा भेज दिया और फिर खचनाएं शुरू होने लगी। कुछ दिनों बाद मैं अपने अपार्टमेंट में लेटी हुई थी, तभी फोन की घंटी बजी। मेरे मन में विचार आया कि कोई नौकरी देने के लिए मुझे फोन कर रहा है। फोन पशु अस्पताल के मैनेजर का था जहां मैंने आवेदन दिया था। उसने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। मैं बहुत घबरा रही थी और इंटरव्यू के दौरान यह साफ दिख भी रहा था। हालांकि यह मेरा सबसे अच्छा इंटरव्यू नहीं था, लेकिन मैंने घर जाकर लिखा, मैं पशु अस्पताल में काम करती हूँ और डैश डैश शिकागो IL में स्थित है। यहाँ का फोन नंबर डैश 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 है। मैंने इसे कई बार लिखा,
जब तक कि मुझे इस पर पूरा यकीन नहीं हो गया। अगले दिन मैनेजर ने मुझे दोबारा फोन किया और बहुत उत्साह से उसने मुझे दूसरे कामकाजी इंटरव्यू के लिए बुलाया। मैंने खुशी खुशी हाँ कर दी। मुझे महसूस हुआ कि मेरे पास पहले से ही वह नौकरी है, इसलिए अब मुझे यह निर्णय लेना था कि मैं कितना वेतन पाना चाहती हूँ। दूसरे इंटरव्यू तक मैंने निश्चित धनराशि पर ध्यान केंद्रित किए और पूरा बजट लिख डाला। मैंने दिन में कई बार इसे देखा और यह नाटक किया कि यह मेरे जीवन में आ चुकी है। कामकाजी इंटरव्यू में मैंने नाटक किया कि मैं उस पद पर पहुंच गई हूँ और मेरे सहकर्मी मुझे ऑफिस दिखा रहे हैं। शाम को मैनेजर ने मुझे बताया कि वे अगले सोमवार को मुझे फोन करके निर्णय बता देंगे। देखिए, उन्होंने फोन किया, उन्होंने मुझे वह नौकरी दे दी और ठीक उतना ही वेतन भी जो मैंने अपने बजट में मांगा था। यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी। अब मैं कृतज्ञता की कला का अभ्यास कर रही हूँ और हर दिन हर पल जिंदगी के मजे ले रही हूँ। अब मैंने जरूरत की हर चीज पा ली है और मैं जानती हूँ कि अगर मुझे कभी किसी दूसरी चीज की जरूरत पड़ी तो सृष्टि से कभी भी कुछ भी मांग सकती हूँ और उसे पा सकती हूँ। लिंडसे, शिकागो, अमेरिका। किसी खास नौकरी के होने का मानसिक चित्र देखना आसान है, खुद को ऑफिस पहुंचते और दरवाजे से अंदर जाते हुए देखना, अपने वेतन का चेक खोलना और किसी निश्चित राशि देखने की कल्पना करना, ये सचमुच आसान है। प्रमोशन की खबर मिलने पर मानसिक चित्र देखना। जब आप यह मानसिक चित्र देखते हैं कि यह आपके पास इसी समय है, तो आप महसूस करते हैं मानो यह आपके पास इसी समय आ चुका है और यही प्रकटीकरण का संदेश है, यही प्रकटीकरण का संकेत है। आकर्षण का नियम आपके विचारों और शब्दों पर सटीकता से प्रतिक्रिया करता है, इसलिए अगर आप किसी चीज को भविष्य में देखते हैं तो आप दरअसल इसे अभी होने से रोक रहे हैं। आपको ऐसा महसूस करना चाहिए मानो यह इसी समय आपके पास हो। द सीक्रेट दैनिक प्रेरणा, आपके करियर के सृजन की कुंजियां। आपके भीतर सपनों की नौकरी को आकर्षित करने की शक्ति है, बशर्ते आप यह पता लगा लें कि आप सचमुच चाहते क्या हैं और फिर उसे मांग लें। ऐसी कोई भी सपनों की नौकरी या वेतन नहीं जो आपको न मिल सके, बशर्ते आपको विश्वास और उम्मीद हो। आप अपनी नौकरी या करियर में जो कुछ भी चाहते हैं उस पर अपने विचार केंद्रित करें और केंद्रित बनाए रखें। अपनी मनचाही नौकरी या करियर के हर पहलू का मानसिक चित्र देखने के लिए अपनी सारी इंद्रियों का इस्तेमाल करें, जब तक कि आपको सचमुच महसूस न होने लगे कि आप इसे जी रहे हैं। अपने वेतन के चेक का चित्र देखें और उसमें अपनी मनचाही राशि लिख दें। आपको नौकरी या करियर का अवसर कैसे मिलेगा इस बारे में चिंता न करें। अपनी शंकाओं को दूर करने के लिए कोई ऐसी चीज करें जिससे आपको खुशी महसूस होती हो, या फिर मानसिक चित्रों और सकारात्मक कथनों से अपने विश्वास को आप बढ़ा भी तो सकते हैं। प्रकटीकरण की गति को बढ़ाने के लिए इस तरह काम करें मानो आपको अपने सपनों की नौकरी पहले से ही मिल चुकी है। जब आप अपने काम से प्रेम करते हैं तो पैसा अपने आप आ जाएगा। आप कुछ भी बन या कर सकते हैं, इसकी कोई सीमाएं नहीं है। यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय पसंद आया होगा। अगला अध्याय, मैंने अपना जीवन बदलने के लिए सीक्रेट का इस्तेमाल कैसे किया, इस अध्याय में जल्दी ही आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए अलविदा।